सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। भले ही कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और श्रमिकों के लिए कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र से सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा गायब है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया था। धीरज कुमार के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 5 न्याय की 25 गारंटीज के साथ आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र सामने रख दिया, जिसमें एक डिटेल रोड मैप रखने का प्रयास तो किया गया है कांग्रेस के द्वारा कि अगले 5 साल में किस तरह का विकास किन किन मोर्चों पर कांग्रेस दे सकती है, लेकिन चुनावी माहौल है, ऐसे में गारंटीज की बात बीजेपी भी कर रही है। प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर मोदी की गारंटी की बात भी करते हैं। इसी से जुड़ा मैं आज का विशेष, जो कहता है न्याय की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण कृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भाजपा की ओर से भी शिवम त्यागी, उनके प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और अनुमा जी, आज जब कांग्रेस अध्यक्ष घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बात सामने रखी कि जो पहला घोषणा पत्र कांग्रेस का पहले चुनाव में आया था, उसके आधार पर वो वास्तविकता पर आधारित था कि क्या अचीव कर सकते हैं और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके आधार पर बात की गई थी। इस बार के जो घोषणा पत्र आपका सामने आया है, हमने देखा 2019 में भी चुनावी घोषणा पत्र आया था, उसमें भी कुछ वादे किए गए थे, न्यूनतम न्याय की बात उसमें भी की गई थी, 72,000 देने की बात भी उसमें की गई थी, लेकिन जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया था क्योंकि एक भ्रम की स्थिति थी कि संभव कैसे होगा। इस बार क्या कांग्रेस के पास रोड मैप है कि जब हम कहते हैं कि हम गरीब परिवार की महिला को या पुरुष को 1,00,000 रुपए सालाना देंगे, संभव कैसे होगा, कहां से आएगा? ये सवाल जनता के जहन में जरूर है, आपके पास क्या जवाब? कि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है और संवैधानिक रूप से मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य सेवानिवृत्त है, तो मैं आपसे डिमांड करूंगी कि मेरे नाम को विंग कमांडर अनुमा आचार्य ही बोले, अनुमा आचार्य बाद में बोल सकती है। इंट्रोडक्शन। अब रही बात हमारे घोषणा पत्र की, तो बहुत साहसिक घोषणा पत्र है। बीजेपी के लोगों की बुद्धि थोड़ी मोटी है तो उनके समझ में नहीं आएगा, इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पर कांग्रेस बात कर रही है हर तरह के न्याय की, संवैधानिक सुरक्षाओं की, दूर संचार अधिनियम जो अभी 2023 में बना था उसके रिव्यू की, और यहां तक कि दोनों संसद में किस तरह से निष्पक्षता से चर्चा की जाए, कम से कम 100 दिन की चर्चा हो, क्योंकि मैं उस क्वांटिफिकेशन में आपको इस डिबेट का रुख नहीं जाने दूंगी कि 1,00,000 कैसे संभव होगा। बिल्कुल संभव होगा, 55,00,000 करोड़ का ही तो कर्ज लिया था ना 70 सालों में, और 10 सालों में उसमें 150,00,000 करोड़ बढ़ा दिया गया, लोगों को क्या मिला उससे, किसका भला हुआ? हम ये देख रहे हैं कि कुछ कॉन्क्रीट की बिल्डिंग, कुछ कॉन्क्रीट की सड़क बनी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर 2075 तक का कर्ज लादा गया है। तो हम अपने घरों में जो नहीं करते वो हमारी सरकार ने हमारे साथ कर दिया है, हर एक नागरिक के ऊपर कर्ज डाल दिया है। हम अपनी पीढ़ियों पर थोड़ा ही कर्ज डाल के जाना चाहते हैं, हम अपनी पीढ़ियों को धरोहर से संपन्न करके जाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने भारत के साथ धोखा किया है। तो हमारा जो घोषणा पत्र है, अगर हम 1,00,000 रुपए की बात करते हैं, तो जो पैसा सरकारी, जिस तरह खर्चीली सरकार है, जो अनाप शनाप चीजों में खर्च करती है, भव्यता दिखाने के लिए खर्च करती है, ये झूठी बातें दिखाने के लिए खर्च करती है कि हमारा देश बड़ा चमक रहा है, धमक रहा है, और उसको रंगीन बनाती रहती है, लेकिन लोगों की जिंदगी काली कर रखी है, लोगों की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है, तभी तो 80 करोड़ लोगों को आज राशन दिया जाता है और सरकार समझती है कि उनके कोई सपने नहीं है। आप किसी को मुफ्त राशन देके क्या उसके सपनों का अधिकार खरीद लेंगे? तो ये मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो ये सबसे बड़ी बात बताता है कि आप मतदाता से पहले भी देश के एक मजबूत नागरिक बने, ये उस पूरे घोषणा पत्र का सार है, और भय से मुक्ति का पूर्ण विश्वास, एक बिल्कुल ठोस आधार कांग्रेस का घोषणा पत्र देता है। तो हमें लगता है कि लोग जो कि आज दबाव में साहस की कमी से सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, सारे आंदोलन खत्म किए जा रहे हैं। अनुमा जी, आपका आपने अपनी बात रखी, आपका घोषणा पत्र जब मैं देख रही थी तो उसमें कई ऐसे बिंदु दिख रहे थे जिनको देखकर मेरे जहन में भी एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे आपके घोषणा पत्र में कहा गया है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी, SC ST के छात्रों को विदेश शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी,
सभी सफाई कर्मचारियों को मुफ्त में बीमा दिया जाएगा। वन अधिकार अधिनियम जो 2006 में आया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा इत्यादि। फिर इस लंबी है, लेकिन एक सवाल ये जरूर आता है, क्योंकि ये वो सब बिंदु हैं जिनको आज लाने की बात कांग्रेस कर रही है। आज ये सोच कांग्रेस के जहन में क्यों आई? क्योंकि इतने साल, दशकों तक जब आपने राज किया, तब आपने इन बिंदुओं पर और क्यों नहीं किया? क्या ये पिछले 10 साल का केंद्र का शासन है या उनकी नीतियां हैं जिनके आधार पर इस तरह के बिंदु आपके घोषणा पत्र में नजर आ रहे हैं? मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ममता जी, क्योंकि मैं खुद एक आर्म फोर्सेस से, ऐसे जगह से आती हूं जहां ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता है। कांग्रेस ने इस देश का पूरा ब्यूरोक्रेसी का ढांचा बनाया था। आज आप देखिए, जनपद देखिए, जिला पंचायत देखिए, हमारे यहाँ का जो पार्षदों का सिस्टम है, नगर पालिका, नगर निगम, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को कांग्रेस ने खड़ा किया था। तो हमने धीरे धीरे देश को पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ढेरों कानून तोड़े हैं। आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट थी कि गृह मंत्रालय के बहुत सारे विभागों को पता ही नहीं है किस मद में खर्चा हो रहा है, कोड हेड के बारे में उनको पता नहीं होता है। तो पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के सिस्टम की, देश के पूरे एक फैब्रिक की, जो उसका जो तोड़ा है उसे, उसको जो पूरी तरह से तार तार किया है, उसको दोबारा बनाने का समय आया है। ये 10 साल में जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भारत के आइडिया ऑफ इंडिया को जो खत्म किया है, उसको बनाने के लिए इसमें वो सारे प्रावधान हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब हमारी सरकारें थी, तभी जंगलों के, जमीनों के पट्टे ऐसे लोगों को मिलते थे जिनका उन पर अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा समावेशी राजनीति की है, उसके राज्य में दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी को उनके अधिकार मिले हैं। और यहाँ तक कि जो आपको याद होंगे कि हमारे शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, इन सब चीजों को हमने इसमें और मजबूत बनाने की बात की है। जी बिल्कुल, मेरे को पूरा विश्वास है कि जो आपका घोषणा पत्र आया है, मतदाता उसको जरूर पढ़ेंगे ताकि उनको पता चले कि कांग्रेस की सोच क्या है। लेकिन रामकृपाल जी, एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मतदाता नहीं भी पढ़ेंगे तो हम घर घर जाकर अपनी सारी बातें बताएंगे। मैं इस वक्त भी मध्य प्रदेश में हूँ, अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही हूँ। चुनाव का मौसम है अनुमा जी, आप लोग का काम ही यही है कि अपने आवाज को हर मतदाता तक पहुंचाएं, जाहिर है। लेकिन रामकृपाल जी, ऐसे में जबकि, जी अनुमा जी आपकी बात हमने सुन ली है, रामकृपाल जी, ऐसे में जबकि ये तमाम घोषणा पत्र सामने आ गए हैं, जाहिर है कि 25 गारंटीज के तहत बहुत सारे बिंदु हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस ने सामने रखे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर मंच पर मोदी की गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी इत्यादि। ऐसे में क्या हम ये माने कि इस चुनावी मौसम में अब गारंटी वर्सेस गारंटी, इसी का आकलन करना होगा मतदाता को? किस आधार पर आपको लगता है अब जनता विश्वास करेगी, किसकी गारंटी पर, किस आधार पर करेगी विश्वास? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूं, मैं, मुझे जनता की बहुत नब्स का पता है, लेकिन एक सामान्य आदमी होने के नाते मैं इतना कह रहा हूं कि करीब करीब कांग्रेस ने इस देश में 55 साल राज किया है और हर चुनाव के पहले उनके घोषणा पत्र आए हैं। और मुझे याद है 71 में इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया था, गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ये दोनों नारे जो दिए गए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि देश का गरीब आदमी बैंक में खाता खोल सके। अब ये आप भी समझ सकती हैं, सारे आंकड़े हैं, ये खाता खोलने का बड़े पैमाने पर जो मुहिम चलाई गई वो 2014 के बाद चली है। 71 में वादा किया गया था, 14 में इस पर एक मुहिम चलाई गई, उसके तहत जनधन अकाउंट खोले गए। मैं ये नहीं कहता कि आगे क्या होगा, मेरा इतना मानना है कि इस देश की जनता, हालांकि जिसमें 65% इस समय कम से कम ऐसे लोग हैं जो युवा हैं, जिनकी उम्र 35 साल और 40 साल के आसपास में है, उन्होंने कभी केंद्र में तो कांग्रेस का राज देखा होगा, बाकी जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उन्होंने तो कभी उत्तर प्रदेश में राज देखा नहीं होगा। मेरा कहना है कि हर पार्टी ठीक है, अच्छे है, जो चीजें उन्होंने घोषणाएं की हैं कैसे पूरा करेंगी, क्योंकि सरकार तो कोई पैसा पैदा नहीं करती, वो तो जनता से पैसा लेकर के
अलग अलग चीजों पे खर्च करती है। अब वो ठीक है, ये समय जैसा आपने अनुमाचार्य जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बाद में बताएंगे कैसे हम क्या करेंगे, ठीक है हो सकता हो, लेकिन मेरा इतना कहना है कि जब जनता के पास सामने जाएंगे दोनों घोषणा पत्र तो सवाल इस बात का है कि जनता ये देखेगी कि कौन किस किस संभावना है केंद्र में आने की। हमेशा एक बात देखिए, मेरा एक सिंपल सवाल है, आज राहुल जी ने कहा मंच से कि इंडिया अलायंस इलेक्शन के बाद डिसाइड करेगा कि कौन होगा। पहली बात तो यह है कि ये इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र नहीं है, ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र। बिल्कुल, होना तो ये चाहिए था कि इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र आता, क्योंकि देखिए बीजेपी तो 303 सीट आज भी है, अकेले भी वो राज कर रही है, कल को उसका संकल्प पत्र आएगा तो ये धारा दबा कर सकते हैं कि हम अकेले भी राज करेंगे और उनके। लेकिन यहां पर स्थिति ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये चार राज्य मिला करके 210 सीटें होती हैं। इस 210 सीटों में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है, बंगाल में 0, बिहार में 9, उत्तर प्रदेश में 26 हुआ और महाराष्ट्र में 10। यानी आप 36 सीटों पर 210 में से 36 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा आपका घोषणा पत्र है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी पार्टी को ये मानेगी कि ये पार्टी सत्ता में आने वाली है जो सिर्फ यहाँ पे 17 सीटों पे लड़ रही है? देश की जनता, आपने बात सही उठाई है रामकृपाल जी। इससे पहले कि मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊं, अनुमा जी आपसे इस बात का जवाब जरूर चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है ये सवाल मैं लेना भी चाह रही थी कि कैसे इंडी गठबंधन के अंदर तो इतने सारे दल इकट्ठे हुए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक सोच सामने रखी है इस न्याय पत्र के जरिए। क्या अन्य दल आपके साथ एकमत हैं इन न्याय की गारंटियों को लेकर, या फिर आप लोगों को क्या लगता है कि जनता किस आधार पर विश्वास कर पाएगी कि कांग्रेस जो कह रही है बाकी तमाम दल उसे रजामंद भी है कि नहीं, क्यों दें वोट वे आपको? आप एक अच्छी पत्रकार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नरेंद्र मोदी जी की तरह कुंठित भाषा में इंडी अलायंस नहीं बोलें। इंडिया को इंडी अलायंस बोलने में किसी तरह का फक्र आपको भी नहीं होना चाहिए और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो जानती हूं, सवाल का जवाब दे प्लीज, वक्त थोड़ा सा कम है, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। मोदी की गारंटी का अर्थ मोदी यानी कि जो हम भारत के लोग इस संविधान में है उससे हट गया, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है वो, मोदी का गारंटी, मोदी का सब कुछ। तो आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी मध्य प्रदेश के लोगों को कि धान की कीमत 2700 रुपए देंगे और गेहूं की कीमत 3100 रुपए देंगे। नहीं, ये मुद्दे से अलग बात कर रही है, मैं सिर्फ एक सवाल चाहती हूँ जो मेरे को लगता है देश का हर मतदाता जो आपका घोषणा पत्र में रुचि दिखाएगा वो भी जानना चाहेगा कि जब कांग्रेस कुछ बोलती है क्या वो आपके पूरे विपक्षी गठबंधन की आवाज है या फिर वो सिर्फ कांग्रेस की आवाज मानी जानी चाहिए? ये घोषणा पत्र कांग्रेस का घोषणा पत्र है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भी आपके सामने आ जाएगा। जब हमारी सरकार, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप देखेंगे कि इसमें से अधिकांश पॉइंट भी वही है जो हमारे सहयोगी दल भी बात करते रहते हैं, जिसकी हमने उसको थोड़ा सा विस्तार में बताया है, जिससे कि मीडिया का जो स्वायत्तता का और स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी बना रहे, जिसके बारे में हमने कहा है कि जो दूर संचार अधिनियम 2023 आया है उसमें आप सबके ऊपर भी इतना सारा प्रहार है। तो जो हम जो बातें कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक मूलभूत चीजें हैं, जो हमारे फंडामेंटल्स है वो साथ में है। लेकिन जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता थे, मुझे ताज्जुब होता है कि कह रहे हैं बंगाल में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। लोगों को कितना भ्रमित करेंगे आप, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या बात होती है? सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक मिनट अनुमा जी, आपने बात रखी आप भाजपा के इंडिया अलायंस के तहत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा था, मैंने कहा था इंडिया अलायंस के तहत, कांग्रेस नहीं लड़ रही कहा था। चलिए अनुमा जी शब्दों के हेर फेर में जाने के बजाय तथ्यों पर जाते हैं। भाजपा का घोषणा पत्र, एनडीए का घोषणा पत्र जब सामने आएगा, लेकिन आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को सामने रख दिया। हमने दिन भर देखा किस तरीके से भाजपा ने भी पलटवार किया तमाम बिंदुओं पर, कांग्रेस पर हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या हम ये माने कि अब कांग्रेस की गारंटियों के सामने
अब बीजेपी का या एनडीए का जब घोषणा पत्र आएगा तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। क्या कुछ चैलेंज आपको लगता है कि अब देश के विकास को लेकर जो सोच सामने लेकर बीजेपी चल रही है उसके मद्देनजर आपके घोषणा पत्र में भी रहेगी? ममता जी, मैं मानता हूं कि घोषणा पत्र का रेलेवेंस उसका होता है जिसके जिसने पास्ट में, जिसने पूर्व में अपने सारे काम और अपने घोषणा पत्र में और अपने संकल्प पत्र में चीजों को बेहतर किया हो। मैं मानता हूं जिस तरीके से चीजें रही हैं, सबसे पहले तो एक चीज होनी चाहिए कि कांग्रेस वाले देश की जनता को जो भरोसा घोषणा पत्र या फिर गारंटी देना चाहते हैं या दे रहे हैं उसका एक छोटा सा वर्जन निकाल के अपने नेताओं को दे दें। सुबह सुबह ये आकर कुछ कहते हैं, दोपहर को चार नेता चले जाते हैं, शाम को कहते हैं, फिर रात को चार नेता चले जाते हैं। अरे भैया, आपके अपने विश्वास पर, आपके घोषणा पत्र पर, आपकी गारंटी पर अपने नेताओं को भरोसा नहीं है। मैं अगर एक पार्टी हूं या मैं अगर कोई पार्टी चलाता हूं या कोई एक पार्टी मेरी है, अगर मेरा परिवार ही उस बात को नहीं मानेगा तो बाकी बाहर जाकर मैं अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को क्या गारंटी दूंगा भाई? जो राहुल गांधी के साथ रहने वाले, पढ़ने वाले, उनके कोठरी में होने वाले लोग थे, वो आज उनको छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप उनको गारंटी कुछ दीजिए, हो सकता है उसके बाद जनता भी आपको विश्वास करे। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 10 साल की हमारी जो सरकार रही है, मैं सिर्फ एक ही चीज दावे के साथ कहता हूं, हमारे अटल जी की 13 दिन 13 महीने और 5 साल की सरकार हटा के बाकी की जो सरकारें देश में रही है, हम उनके साथ अपने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैच करने के लिए तैयार है। उसी के आधार पर पता चल जाएगा कि हमारा संकल्प पत्र कैसा रहने वाला है। एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा सुना देता हूं, 4 करोड़ पक्के मकान हमने दिए, 11 करोड़ शौचालय हमने दिए, 13 करोड़ नल से जल हमने दिए, 80 करोड़ लोगों को राशन हमने पहुंचाया, 12 करोड़ किसानों को सम्मान, किसान सम्मान निधि दी हमने, 35 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत चीजों को लिया, देश में जीएसटी लाए, 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बनवाया, डिजिटल पेमेंट्स लेकर आए, जो नारीबंधन जी ये बहुत लंबी है जो आप गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बीजेपी के विकास को लेकर भी ये बात कही है कि ये बिना रोजगार वाला विकास या नौकरियां खत्म करने वाला विकास, अपने घोषणा पत्र में इन्होंने एक जगह पर इस बात को इस तरह से रखा है, क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि मैं उस विषय को छोड़कर चला जाऊंगा, उस पर भी जवाब देकर जाऊंगा, इन पॉइंटर्स में वो भी है। तो डिजिटल पेमेंट्स हम लेकर आए, नारी वंदन अधिनियम यानी कि वुमेन रिजर्वेशन हम लेकर आए, भारतीय न्याय संहिता हम लेकर आए, सीआरपीसी और आईपीसी को हटाकर देश की जो है न्याय संहिता होनी चाहिए। इसके अलावा पीएम अमृत योजना के तहत जो है 1309 स्टेशन का नवीनीकरण हमने किया, छोड़ दीजिए 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 है, 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 220 शहरों में, 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 है, 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर है, 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क थी, आज 3,76,000 किलोमीटर है, और वो भी अभी जो नई बनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिर्फ जो है देश में जो रेलवे का था वो सिर्फ 20,000 किलोमीटर का था, आज वो पूरे देश में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत, हाँ आपके सवाल पर भी आ रहा हूँ, भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर है, भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 5वें नंबर पर है, नंबर 1 आने वाले हैं। अभी भारत में पिछले 10 साल में 16 करोड़ नए जो है ईपीएफओ अकाउंट्स खुले हैं, जाहिर है रोजगार जनरेट किया है हमने। इसके अलावा इसको भी छोड़ दीजिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो 350 यानी कि 350 स्टार्टअप हुआ करते थे हिंदुस्तान में 2014 तक, चेक कर लेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, और आज भारत में 90,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, 90,000। आपको क्या लगता है रोजगार नहीं है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तमाम जगहों पर, अगर हम इसके अलावा एफडीआई की बात करें, उसको हम लेकर आए, विषय बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आने वाला है, उस पर भी आगे देंगे, लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के सामने अगर हम बात करें तो चाहे वो इनके यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासन का समय रहा हो और चाहे इससे पहले देश में, जिस तरीके से देश में विकास की रफ्तार बढ़ी है, जिस तरीके से तमाम चीजें बढ़ी है, देश खुश है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती भी जा रही है, और इनके जितने भी नेता हैं वो इसलिए नहीं छोड़कर जा रहे हैं कि भाई इनसे कोई नाराजगी है या किसी से कोई नाराजगी है, लेकिन नहीं, कोई विजन नहीं है भाई, पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, इंडिया अलायंस के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से एक विजन को सामने रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन रामकृपाल जी आपके पास आते हैं उससे पहले अनुमा जी एक बात, क्योंकि एक बीजेपी के द्वारा ये भी बात कही जा रही है कि वो संकल्प पत्र देते हैं, आपने घोषणा पत्र या न्याय पत्र दिया, क्या इस न्याय पत्र में दिए हुए बिंदु आपके संकल्प में परिवर्तित हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सारे गठबंधन दलों के साथ मिलकर आप इस घोषणाओं को, इन घोषणाओं को संकल्प के रूप में परिवर्तित कर पाएंगे? हम लोग जो भी कहते हैं वो संकल्प ही है, उसको अलग तरीके से मीडिया के जरिए प्रचारित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रही थी इतनी अपरिपक्वता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, जो आंकड़े दिखा रहे थे उससे आधे से ज्यादा सारे झूठे आंकड़े हैं। आप गांवों में गई होंगी या नहीं गई होंगी मुझे नहीं मालूम, मैं तो रहती हूँ यहाँ,
अभी 60-70 गांव घूम के आती हूँ तो वहां चूल्हे पर ही खाना पक रहा है। मैं आपको सारे फोटोग्राफ्स भेज दूंगी, जितने भी घर में आप गांव में जाएंगे ना, ये सब जो इतनी बातें करते हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। और इधर प्रधानमंत्री जी ने फिर से सेना का नाम लेना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं देश की मिट्टी की झूठी कसम। अरे पहले कादर खान डायलॉग लिखते थे, थोड़े ड्रामेटिक लिखते थे प्रधानमंत्री के डायलॉग, तो पर्सनल ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तथ्यों पर बात करें तो ज्यादा अच्छा संदेश मतदाता के सामने भी जाता है। पहले क्या होता था, कांग्रेस ने जो कहा है क्या कांग्रेस उन्हें पूरा करने का मादा रखती है? क्या जो आंकड़े आपके सामने दिखाए हैं क्या सबको साथ लेकर उन्हें संभव कर पाएंगे? देखिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो कहती हैं वो एक कॉमन संविधान के दायरे में कहती भी है और करती भी है। यानी जैसे आपने पहले कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोगों का जो बनेगा, अब नजर उस पर रखनी होगी कि आप जो बातें, जो कांग्रेस बातें कह रही है कितनी उनमें से उसमें शामिल हो पाती हैं। जी मुझे बात करने देंगी क्या? आप मुझसे सवाल पूछती हैं और उसके बाद आप पूरी बात बीच बीच में आप टोकती हैं जिससे कि मेरी विचारों का क्रम टूटे। तो मेरी जी मैं चाहती हूं कि आप बिंदु पर बात करें। मैं बिंदु पर ही बात कर रही हूं कि जो आप... पहले अगर 1 किलोमीटर सड़क बनती थी और अगर वो 6 लेन की होती थी तो उसे 1 किलोमीटर माना जाता था, अब वो 6 लेन को 6 किलोमीटर माना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अपने आंकड़े फजिंग करके बढ़ाए, जीडीपी के भी उसके भी उन्होंने पैमाने बदले और उसके बाद भी जीडीपी को उस लेवल पर नहीं ला पाए जो यूपीए 2 में थी। चलिए अनुमा जी आपने भी बात कर की वक्त थोड़ा कम है, सीमित होता है हमारे पास वक्त इस कार्यक्रम में। मैं रामकृपाल जी आपसे आप बहुत संक्षेप में शिवम जी अपनी बात रखें ताकि मैं रामकृपाल जी से आखिरी सवाल ले सकूं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता की अपरिपक्वता देखिए, वो कहती मैं दिखा दूंगी, मैं फोटो ला दूंगी, मैं डेटा दे रहा हूं। भाई ये डेटा वो है जो आपको फर्जी ही लगेगा ये, क्योंकि आपके पास सच नहीं है। यहाँ अगर जनता जानती है, देखती है, गांव में रह रही है, वो भी जानते हैं तथ्य क्या है, वोट के माध्यम से वो तस्वीर सामने रखेंगे। मेरे ख्याल से हमें आरोप प्रत्यारोप का इसको मंच बनाने की बजाय रामकृपाल जी आखिरी सवाल आपसे, क्या ये तमाम जब गारंटी की बात की जाती है, न्याय की गारंटी बना मोदी गारंटी, जब हम ये बात करते हैं तो क्या नेतृत्व क्षमता और चेहरा इस पूरे परिवेश में चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण रहेगा जनता के निर्णय के लिए? निश्चित रूप से। और देखिए 2014 में भी ये रेफरेंडम था कि मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, 2019 में भी रेफरेंडम था और 2024 में भी रेफरेंडम है जी। ये मान लीजिए जनता संग्रह है। एक बात जो जिसपे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, मैंने ये कहा था जिस इंडिया अलायंस की बात आज राहुल गांधी कह रहे थे, उस इंडिया अलायंस के तहत 210 सीटों में इंडिया अलायंस ने कांग्रेस को सिर्फ 36 सीटें लड़ने के लिए दी है। और अगर विनेबिलिटी में 50% मान लूं तो 210 सीटों में 18 सीटें जीत करके जनता कैसे ये उम्मीद करती है कि आप केंद्र में आपका प्रधानमंत्री होगा और आप ये सब कार्यक्रम। तो पहली बात तो यह है कि वचनम किम दलिता, जब आपको जनता यह देखेगी कि आप मोदी के सामने कांग्रेस एक विकल्प के रूप में, तीन लोग एक तरफ है तो मुझे बोलने के लिए मौका जरूर दीजिए। वो चीजें वक्त बहुत कम है, मैं माफी चाहती हूँ, वक्त बहुत कम है, लेकिन रामकृपाल जी ने जो बिंदु सामने रखा है वो यही सिलेक्टिव बात कर रहे हैं। दरअसल अनुमा जी नहीं, दरअसल इस पूरी चर्चा में जो बड़ी बात बिंदु निकलकर सामने आया वो यही कि कांग्रेस का घोषणा पत्र और कांग्रेस सीमित सीटों पर लड़ रही है, ऐसे में क्या आपका विपक्षी गठबंधन सारा इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राजी हो पाएगा? कैसे कांग्रेस सीमित सीटों पर लड़ते हुए भी पूरे देश में अपनी बात को सामने रख पाएगी? लेकिन बात यहाँ पर है जो आपने स्पष्ट कर दी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए इंतजार रहेगा। हमारे फिलहाल बस इतना ही है, यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया है, न्याय पत्र सामने आया है, तो वो किस हद तक मतदाताओं को आकर्षित कर पाएगा, मतदाता उन पर विश्वास कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्रिया सभी मेहमानों का।